कोई बात नहीं, फिर भी आप स्मार्ट लग रहे हैं तो उसके ऊपर एक बात सुन लीजिए, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, ठीक है? चले ठीक है, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं विदिल ब्लॉगर शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो विक्टिम ऑल इंडिया एसोसिएशन है, एसोसिएशन की आज यहाँ पर मासाब टैंक में मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें यह फैसला किया गया जनाब मोहतरम मुनीर साहब और परवेज साहब के प्रपोजल पर महाराष्ट्र के लिए हीरा विक्टिम एसोसिएशन के नए सदर का ऐलान किया गया और जनरल सेक्रेटरी का ऐलान किया गया है। तो पहले चलते हैं जनाब मुनीर भाई साहब और परवेज भाई, जिन्होंने यह प्रपोजल दिया, आप उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जबान से ये प्रपोजल सुनिए। आज की इस मीटिंग में हमारे शहबाज खान साहब की सदारत में यह फैसला लिया गया कि कलीम चाचा, खैर मैं उनको चाचा नहीं बोल सकता, लेकिन कलीम साहब जो कलीम चाचा के नाम से मशहूर हैं, जो हैदराबादी भी वाकिफ़ है और सारा महाराष्ट्र भी वाकिफ़ है, तो इन्होंने बहुत मेहनत की अपने हक़ के लिए और अभी भी जो है ना वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने आज की इस मीटिंग में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि भाई महाराष्ट्र की और बम्बई की जो विक्टिम एसोसिएशन है उसके लिए हम जो है ना चंद जिम्मेदारों के नाम लें। तो फिर मैंने प्रपोज़ किया कि कलीम साहब से बेहतर कौन हो सकता है, तो कलीम साहब को सदर के लिए मैंने प्रपोज़ किया और हमारे परवेज साहब ने महमूद अहमद ख़ान साहब को सेक्रेटरी के लिए प्रपोज़ किया। इंशाल्लाह आप लोगों को यह सिलेक्शन पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परवेज़ आज हमारे यहाँ पर शहबाज भाई के ऑफिस में हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन की मीटिंग हुई, इसमें यह डिसाइड करा गया कि महाराष्ट्र में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन कायम होना चाहिए। इस पर बात हुई, मुनीर भाई ने प्रपोज़ करा कलीम चाचा को सदर के लिए, मैंने सेकंड करा, फिर मैंने एम ए खान साहब को प्रपोज़ करा सेक्रेटरी के लिए और मुनीर साहब ने सेकंड किया। इस तरह और शहबाज भाई की निगाहों में ये सब काम हुआ उनके अप्रूवल के साथ। और आप लोगों को सबसे मुंबई और महाराष्ट्र वालों से ये इल्तिजा है कि इनका साथ दें, इनके लिए सामने आए, हमें सबको मिल के इस बुराई से और अपने पैसे के लिए हम लोग इस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करे। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हमारे कलीम चाचा को। अल्हम्दुलिल्लाह कलीम चाचा तारीफ़ काबिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जद्दोजहद, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाचा आपको बहुत बहुत मुबारक और महमूद भाई को भी बहुत बहुत मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं हम लोग यहाँ से। आप लोग मिलके काम करिए इंशाल्लाह वहाँ पर मुंबई में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्या नाम है उनका भाई सैयद भाई भी है, वो भी काम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इकट्ठा होकर काम करेंगे सारे विक्टिम से, और तमाम विक्टिम से भी ये गुजारिश है कि बाहर निकलिए और कलीम चाचा से अप्रोच हुई है आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कलीम चाचा से मदद लीजिए आप लोग, ठीक है? मैं भी कोई लेट नहीं, ठीक है नहीं बोलिए, ओके। अपने पैसों के बारे में नहीं हो गया, पैसों के बारे में बोलो, क्या बोलिए हम इतने दिन हो गए पैसे बोलो, पैसे इतने दिन हो गए ध्यान दो, जो भी फैसला लिया गया हम उसकी तारीफ करते हैं। बोलो बोलो जी। हाँ, यहाँ पर जो भी फैसला लिया गया है एक इज्तिमाई फैसला लिया गया और इंशाल्लाह ये लोग जो है ना काम करेंगे और हम उन सब विक्टिम से गुजारिश करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कलीम भाई से और महमूद अहमद ख़ान साहब से दोनों से मिले और तीसरे आदमी को मत भूले,
یونس سید صاحب ہے اور پھر وسیم نظام ایڈوکیٹ صاحب ہے. یہ چار جو ہے نا بہت ہی کام والے آدمی ہیں. آپ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیجئے تاکہ یہ کام ان کا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے, آپ لوگ انویسٹر ہیں, تو آپ لوگوں کو تو آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر ایک لیڈی ہے وہ جو بھی بہت اچھا کام کرتی ہے, محترمہ طاہرہ شیخ بہن صاحب, تو ان کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. تو لیڈی ونگ کے لیے جو ہے نا میں طاہرہ بہن کے لیے کہتا ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھے, اور جتنے لیڈیز ہیں کیونکہ لیڈیز بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہ لیڈیز بھی آگے بڑھے اور طاہرہ بہن کے ساتھ ملے, ان کے ساتھ جڑیں, اور جو بھی کام کرتی ہے وہ بھی جو ہے نا کلیم بھائی کی طرح طاہرہ بہن بھی جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں آپ کا. اگر کوئی بھی تکلیف ہو, چاہے ای او ڈبلیو میں ہو یا کمیشنر آفس میں ہو یا کورٹ میں ہو, وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہے نا یہ ہمارا اپنے حق کا پیسہ ہے, اپنے حق کے لیے آپ کو سب کو لڑنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلج الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل کو جانا ہی ہے, اور باطل کو جانا ہی ہے, جانا ہی ہوگا. میں منیر بھائی کی پوری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں اور اس میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ باطل چاہے جتنا بھی زیادہ ہو, حق کا 1% باطل کے 99% کے لیے بہت, مطلب بہت ہے. اور ہم لوگ شہباز بھائی کے پورے پورے ساتھ ہیں. کوئی شہباز بھائی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتا ہے تو ہم ایز اے وکٹمس ایسوسیشن کے سارے ممبر سامنے کھڑے ہیں. یہ سب میں ان دلالوں کو کہہ رہا ہوں, اور ہاں کلیم بھائی کو اور محمود احمد خان کو اور طاہرہ بہن کو اور یونس سید صاحب کو, ہم سب کو چاہتے ہیں کہ سب آگے آئیں, اور اس میں ہماری وہ لوگ ہیں آگے. اور